Hello guys. Hello. आपको कुछ कहना है? क्या कहना है? Hello guys. We are going to beach. But Inami, Yeah, she's saying today Anavi is not well. She is having fever. तो वो आज नहीं जा पाएगी. ये थोड़ा सा sad है क्योंकि अभी हम लोग उनके पास गए थे तो उन्होंने बोला कि अभी वो बीमार है, वो नहीं जा पाएगी. और नायु को नावी के साथ खेली खेली करना था. Good morning. हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. टाइम इज 8 o'clock. 8:30 बजे के करीब हमारे जो वो कैब वाले भैया वो आ जाएंगे. तो वी हैव ओनली हाफ एन आवर टू हैव ब्रेकफास्ट. अभी फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे हैं रोज आइलैंड के लिए. आज का जो प्लान है रोज आइलैंड में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे नॉर्थ आइलैंड में. गाड़ी वाले भैया की वेट कर रही है. टाइम इज 9 o'clock. हेलो निवान. हाय. मैं चलता हूँ साथ में. होटल अभी आ जाओ. हम लोग जा रहे हैं रोज आइलैंड. ठीक है. तो होटल से कैब वाले भैया ने हमें यहाँ पे फिशेज म्यूजियम करके है वहाँ पे ड्रॉप किया. और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे फेरी से. फेरी से रोज आइलैंड जाने में इन्होंने बोला तकरीबन 1.5 घंटा. 1.5 घंटा बोला अभी तक इन्होंने वहाँ पे हमें लगेगा. तो सबसे पहले देखिए आपने जो नाम लिखा है ना आपका बोट का नाम के लिए, जाने से पहले आपको बोट का नाम बता देंगे. क्यों बोले सेम बोट आपको रॉस आइलैंड लेके आते हैं नॉर्थ में लेके तो वही आपको रिटर्न लेके थे. दूसरा बोट आपको लेकर नहीं आएगा. ठीक है. तो रॉस आइलैंड लिखा है तो पूरा हिस्टोरिकल आइलैंड. जब इंडिया जब ब्रिटिश लोग राज हुआ करता ना तो रॉस आइलैंड अपन कैपिटल था. तो अब ब्रिटिश लोग जो कुछ भी बनाए थे जैसे उनका चर्चेस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, ग्रेवर्ड हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, ये सब आपको वहाँ पे देखने मिलते हैं. ऐसा नहीं कि अभी भी एकदम परफेक्टली खड़ा है. वो वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ी खत्म हो चुकी है. वहाँ पे अभी सिर्फ साइन बोर्ड है. साइन बोर्ड को देखते हुए आराम से देख सकते हैं. और वहाँ पे अगर मान लीजिए अगर चलने प्रॉब्लम है तो सबसे बेस्ट वहाँ पे होती है बैटरी गाड़ी. गोल्ड कार्ड गाड़ी आप लोग देखें ना वो आपको मिलेगी 80 रुपीज़ पर पर्सन गाड़ी से. वो आपको गाइड भी कर देंगे प्लस आपका पूरा आइलैंड का टूर भी करा देंगे. सबसे बेस्ट होती है. और आपको आइलैंड में देखिए लाइव एनिमल्स देखने मिलते हैं. लाइव एनिमल्स मतलब स्पॉटेड डियर्स देखने मिलेगा. पीकॉक रैबिट सारी सारे की डोमेस्टिक एनिमल्स है. आपको नुकसान नहीं करेंगे. आप उनके साथ फोटोग्राफी करिए, वीडियोग्राफी करिए, सब कुछ करिए. बस कुछ खाने दीजिए. फीडिंग अलाउ नहीं है. ओके. और आपको आइलैंड में 1.5 घंटा टाइम मिलता है. और सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पर टाइम को फॉलो करना. आप जिस बोट में जाएंगे बोट में जो हमारे कैप्टन होते हैं वो आपको टाइम देंगे. टाइम को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है. आपको 1.5 घंटा टाइम मिलता है. क्यों बोलने से आपके साथ दूसरे लोग भी रहते हैं. अगर आप लोग टाइम को बराबर फॉलो करेंगे तो बराबर आपको टूर कंप्लीट होगा. ओके. तो जो टाइम आपको मिलता है आप प्लीज़ टाइम को फॉलो करें. तो 1.5 घंटे के बाद आपको सेम बोट आपको दूसरा एंड देखिए नॉर्थ में. नॉर्थ में देखिए इससे पहले आप लोग नहीं देखिए. आप जेब में लेके घूमते आपको पता है क्या जेब में आप नॉर्थ आइलैंड को लेके घूमते हैं. स्क्रीनशॉट ही आप जेब में देखिए. 20 रुपीज़ यही हमारा नॉर्थ आइलैंड. हमारा अंडमान निकोबार टोटल 572 आइलैंड. हाँ छोटे छोटे करके बोलते हैं अंडमान ग्रुप से आइलैंड तब जाके बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड. ठीक है. अब देखिए हमारा आज 572 आइलैंड में से दो आइलैंड जाने वाले हैं. एक रॉस सेकंड आके नॉर्थ बेट इस. हाँ इस नॉर्थ आइलैंड का ऑल्टरनेटिव नाम है कोरस आइलैंड. कोरस के नाम से जाना जाता है. ठीक है. और हमारा इंडियन गवर्नमेंट है देखिए हमारे 20 रुपये में जब फोटो आया पीछे तो कुछ तो रीज़न होगा. जब पीछे जो फोटो आती है इंडियन में इसका रीज़न यही है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अंडर वाटर माइन लेकर जाना जाती है. मतलब पानी नीचे जो खूबसूरत दुनिया है उसके लिए जाने पहले ट्रेनिंग करेंगे. ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली पानी में लेंगे शाले वाटर में लेंगे. और हर एक पर्सन के सारे सर्टिफाइड डाइवर होते हैं. ऐसे ऐसे ड्राइवर ने सर्टिफाइड डाइवर होते हैं. ठीक है. पैडी ड्राइवर होते हैं. वो आपको क्या करेंगे आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम देंगे, ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर देंगे. वो सब देने के बाद आपको बताएंगे पानी के अंदर कैसे ब्रीथिंग करना है, कैसे आपको हैंड चेकिंग दिखाने ए टू जेड आपको बताएंगे. वो सब कंफर्टेबल करने के बाद आपको क्या करते हैं आपको मतलब जैसे आपका ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगा वो ड्राइवर क्या करें आपको टो करते हैं कम से 15 से 18 मिनट. गाइस अभी यहाँ पे आपने वीडियो में देखा कि जो वो है गाइड है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ से कैसे सबसे पहले वो हमें ये सब मरीन है. ठीक है. मरीन से वो हमें लेके जाएंगे रोज आइलैंड. रोज आइलैंड पे जाने का लगेगा 1.5 घंटा. ठीक है. और वहाँ पे जाके आपको सिर्फ 1.5 आवर मिलेगा. तो आप वहाँ पे अपना एंजॉय कर सकते हो. वहाँ पे सिर्फ आपको एनिमल्स ही मिलेंगे रोज आइलैंड में. और वहाँ पे उनके साथ फोटोग्राफी करवा सकते हो. उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स हैं वहाँ पे ऐसा कुछ हार्म नहीं करते और अब बस आपको फीड नहीं करना है. तो रोज आइलैंड पे 1.5 आवर वहाँ पे हो गया. उसके बाद हम लोग जाएंगे नॉर्थ आइलैंड.
नॉर्थ आइलैंड में आपको कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग हो गया, सी वॉकिंग हो गया, स्नॉकलिंग हो गया, और एक फैमिली है, फुल फैमिली में सब मरीन करके है, तो उन्होंने उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया कि जो हम उसमें करेंगे, नॉर्थ आइलैंड में करेंगे। तो हिम्मत करके मतलब मैंने चूज़ किया स्कूबा डाइविंग, लेट्स सी। उनके चार्जेस उन्होंने 3500 है। अगर आप ट्रेनिंग करते हो और आपको लगता है कि नहीं आई एम नॉट कम्फर्टेबल, तो आपका 1000 rupees डिडक्ट होगा, बाकी का जो 2500 वो रिफंड हो जाएगा। अगर आप वहाँ जाके आप बिल्कुल डर जाते हो, मन ही नहीं करता यहाँ पे पेमेंट किया हो आपने, तो अभी आपको रिफंड मिल जाएगा। ये सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया उन्होंने। अभी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, 4 स्कूबा डाइविंग किया, 1 हमने सब मरीन की है फैमिली में। उसमें क्या रहता है कि शिप के नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में आपको देखने को मिलेगा पूरा, चारों तरफ पानी पानी रहता है, तो वो सब है होगा वहाँ पे। अब देखते हैं स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस। मैंने पहले कभी स्कूबा डाइविंग नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है ये स्कूबा डाइविंग के साथ। स्कूबा डाइविंग सब कैसा रहता है तो नो आइडिया, लेट्स सी जो पहला एक्सपीरियंस है कैसा रहता है। आई एम एक्साइटेड, नर्वस, आई डोंट नो। मैं वहाँ पे जाके ट्राई करूँगी कि ट्रेनिंग 10 मिनट में ट्रेनिंग में मुझे कैसा फील होता है, उसके बाद लेट्स डिसाइड कि करना है कि मुझे नहीं करना है। एक हैट देखते हैं अपने लिए, यहाँ पे 100-150 मिल गया तो मैंने कहा ले लेते हैं। अच्छा नहीं करते, नहीं करते पापा, नहीं करते। गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी, और बुरा लग, पारुल देखो कैसे पसीने से टप टप हो रही है। बच्चों ने भाई बहुत परेशान कर दिया गर्मी में, पता नहीं ये बेस्ट वेदर कैसे हुआ। लोगों को यहाँ मरीन से रोज आइलैंड जाने के लिए 10 मिनट लगेंगे। मुझे गलती लग गया कि वहाँ पे 1.5 घंटा लगेगा, वो एक्चुअली कल हैवलो के लिए है। तो 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे रोज आइलैंड में, और अभी हम लोग पहन लेंगे लाइफ जैकेट। Our bot's name is Duldul. मेरा डुलडुल दिख रहा है। क्या लग रहे हैं ना हम डुलडुल? ये हेल्प करेगी जब पानी में डुलडुल होंगे तो। पानी में जब हम डुलडुल फिर बनेगी। हाँ बच्चा लड़की ब्यूटीफुल डुलडुल में चुल। ये हम लोग जा रहे हैं अपनी बोट में डुलडुल, जिसका नाम है, और हम सभी डुलडुल हैं। हाय डुलडुल, हाय डुलडुल, बन के आए थे होटल से बुलबुल। हम लोग पहुंच चुके हैं रॉस आइलैंड पे। 10 मिनट का ही रास्ता था, मुझे गलत फहमी हो गई कि 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में, बट लेकिन ये 10 मिनट का ही है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे 1 आवर मिला हुआ है। जब जापानियों का यहाँ पे था ना, जापानीज का वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, हाँ, जापानीज बंकर सकते हैं। गाड़ी का लेफ्ट साइड ये जो रेड बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप,
हाँ जी, जमाना का स्टोर रूम था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये रेड बिल्डिंग से पीछे का रेड शेड तक था। इसमें क्या स्टोर करते थे? खाने पीने का सामान रखता था, राशन पानी, स्टोर रूम। शेड बनाया, ये अभी का बनाया वाला, अमित शाह जी बनाया था यहाँ पर, जब आया था अमित शाह जी आया था उस टाइम बनाया था। गाड़ी का लेफ्ट साइड देखिए, ये था उसी जमाना का पावर, ये था प्रिंटिंग प्रेस था, पहला जो बिल्डिंग देख रहे वो था प्रिंटिंग प्रेस, बाजू में देखिए वो था पावर हाउस, और वो जो ब्लैक कलर का ट्रंक देखा आप लोगों ने, वो था ड्रिंकिंग वाटर प्लांट था। अच्छा, अरे जो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे ये बेकरी था उसी जमाना का ओरिजिनल स्ट्रक्चर, बेकरी बेकरी ब्रेड केक बिस्किट मिलते थे उस टाइम पर। राइट साइड देखिए, यहाँ पर जो कुर्सी लगा हुआ ना, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो था इवनिंग 5 तक की शाम, लाइट एंड साउंड शो। अरे जो ग्राउंड देख रहे ये पूरा ग्राउंड उसी जमाना का टेनिस ग्राउंड था, बाद में सारा कोकोनट ट्री आ गया यहाँ पर रेल पे, देखिए अभी भी इसके स्टेप है। मोदी जी ने चेंज करा 2018 में, पहले नेम था रॉस आइलैंड, क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट सर्वेयर आया था ना ब्रिटिश का, उसी का नेम था डैनियल रॉस। अच्छा, तो उसके नाम पे रॉस से रॉस आइलैंड नेम हुआ था। मोदी जी ने इसका नाम नहीं दिया उस बार चंद्र, बट स्टिल मतलब कि हम लोग तो रॉस आइलैंड ही बोल रहे हैं ना इसको, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोलना चाहिए फिर तो। ये जो बिल्डिंग है ना, ये क्लब था। अच्छा, क्लब हाउस, सबोर्डिनेट। उसी टाइम पर उन लोगों के पास डांस रूम, बाथ रूम, क्लासरूम भी था। अच्छा, सब कुछ था, जिम खाना था उनका ये। अरे देखिए सर मैम, एक क्लब था उसी जमाना का, 1840 का प्रेसबिटेरियन चर्च था, चर्च 1840 का चर्च। ओ वाओ, कितना पुराना यार, क्या था ये चर्च, ब्रिटिशर्स थे। गाड़ी का लेफ्ट साइड देखिए, ये उसी टाइम का खतरनाक कैदी का जेल था, ये जेल है, खतरनाक होता है कुकर होता ना, उन लोगों को देख के यहाँ पर रखते थे, सेकंड जेल। मैंने अभी मर्डर किया नहीं है, करूंगी। गाड़ी का राइट साइड देखिए सर, ऊपर एक बंगलो था, कमिश्नर बंगलो, लेकिन आज का डेट में वहाँ पर जो स्टेप देखा वो स्टेप ही बचा है। अच्छा, बंगलो गिर गया बस। जापान आइलैंड पर आके 3 साल कैप्चर कर लिया था, उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर में बॉम्बिंग करके डैमेज कर दिया। ये भी एक चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च जी सर, लेकिन अभी इसको पावर हाउस बना दिया, पहले चर्च था अभी के लिए पावर हाउस बन गया, डीजल जनरेटर से चल रहा है इसी आइलैंड का पावर सप्लाई, इसी पावर हाउस से आपको पूरा अंडमान में डीजल जनरेटर से पावर सप्लाई होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे अंडमान में सारी सप्लाई डीजल से ही है, तो सोलर। ये देखिए, ये सोल्जर मेस था, मैस खाने पीने ये क्या है भैया, ये वाली सोल्जर बैरक ना, सोल्जर बैरक, ट्रूप्स बैरक, जो फौज लोग थे उन लोगों का। देखिए राइट साइड, यहाँ से लेके लास्ट तक इतना टूटा हुआ गिरा हुआ बिल्डिंग देख रहा, ये भी बैरक था उसी टाइम का, सोल्जर बैरक, बस ये जो बचा कुछ है वही है। 2004 26 दिसंबर यहाँ पर सुनामी आया, ये आइलैंड 200 acres था, अभी 70 acres में आ गया, 130 डैमेज हो गया, और अभी हम लोग आइलैंड का सबसे ऊँचा पॉइंट पर आ गया, सी लेवल से 200 feet हाइट है। यहाँ का जो मेन बेस व्यू पॉइंट है, नीचे एक लाइट हाउस है, आप लोग पहले वो लाइट हाउस जाइए, लाइट हाउस का फोटोकॉपी करने के बाद रिटर्न टाइम कोई भी गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, लेकिन बताना होगा आपको एक नंबर गाड़ी था पर्सनल, एक नंबर गाड़ी, नंबर वन गाड़ी पर्सनल, बोर्ड का टाइम फॉलो करके आ जाइए। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे वन आवर हम लोग स्पेंड करेंगे, एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन क्या क्या चीज़ें जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं।
आइलैंड में घूमते हुए। रोस आइलैंड ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड। नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड लेटेस्ट नाम चेंज हुआ है अभी 2018 में। काफी नाम, काफी लंबा नाम है। हाँ, तो इसलिए हम लोग स्टिल वी आर प्रेफरिंग रोस आइलैंड। तो यहाँ स्टेप्स बहुत ज्यादा है एंड वी आर गोइंग टू लाइट हाउस। और हम आते हुए वापस भी आना है ना चढ़ के। हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड, केबल कार नहीं होगी यहाँ पे, है ना? यहाँ पे नहीं होगी। ये हम केबल कार से आए थे अभी। नहीं, दैट वाज नॉट, वो केबल, वो गाड़ी थी, वो जो गोल्फ कार थी। हां, गोल्फ कार। हां, कितने अच्छा थे। हां, लेट मी जस्ट शो यू द व्यू। लाइट हाउस है यहाँ पे, वो देखा यहाँ पे बहुत सारी थोड़ी सी फोटोग्राफी की। और अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि टाइम भी होने ही वाला है 11:30, उन्होंने बोला 11:45, मतलब 1 आवर ही मिलता है। अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं में, वापस जा रहे हैं। मिलते हैं आपको नोथालैंड में। थके नहीं? नहीं नहीं नहीं, थके नहीं, मैं बस थोड़ा सा वैसे ही कुछ और ही सोचती थी माइंड में। ये सोच रहे वहाँ जाके कौन सी रील बनानी है। नमकीन और नींबू पा, नींबू पानी तैयार, नमकीन पानी, हरे पत्ते डाल, मोहितो हो गया, हरे पत्ते डाल मोहितो, मिर्च मसाला, नींबू मिर्च मसाला डाल दो, है ना, लेमन छोटा तैयार। चलो वेव कर दो सभी जने एक साथ